सुरक्षा के लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एडेक्वेट फोर्सेस रहेंगे, बहुत तो दिल्ली पुलिस का भी रहेंगे और होमगार्ड्स साथ में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी रहेंगे और जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो पूरा मिल जाएगा हमें, तो सुरक्षा को लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर एक जो दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कई विभागों के साथ बैठक भी की थी, अभी मौसम को लेकर जो बातें हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव की आशंका है और दिल्ली में जब चुनाव होगा तब टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, उसको देखते हुए कुछ अलग से आप लोग सुविधा व्यवस्था कर। हीट वेव तो होगा, जो IMD का प्रेडिक्शन ये है और कमीशन अपने लेवल से भी इसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग भी किया था, एक कमिटी भी कंस्टिट्यूट किया कि भाई इसको रेगुलर मॉनिटर करने के लिए, और हम भी अपना फील्ड में जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको सेंसिटाइज किया गया है और पोलिंग स्टेशन जहां भी होगा जो हीट वेव इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर वेटिंग एरियाज बनाया जाएगा और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर वगैरह रहेगा, उसके अलावा मेडिकल किट्स विद मेडिकल फैसिलिटीज नियर बाय हर लोकेशन में रहेगा ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली अटेंड करने के लिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश रहेगी कि भाई जो हीट वेव के इम्पैक्ट जो है ना जितना मिनिमाइज किया जाए उतना मिनिमाइज करने की कोशिश। सुरक्षा के लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एडेक्वेट फोर्सेस रहेंगे, बहुत तो दिल्ली पुलिस का भी रहेंगे और होमगार्ड्स साथ में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी रहेंगे और जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो पूरा मिल जाएगा हमें, तो सुरक्षा को लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर एक जो दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कई विभागों के साथ बैठक भी की थी, अभी मौसम को लेकर जो बातें हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव की आशंका है और दिल्ली में जब चुनाव होगा तब टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, उसको देखते हुए कुछ अलग से आप लोग सुविधा व्यवस्था कर। हीट वेव तो होगा, जो IMD का प्रेडिक्शन ये है और कमीशन अपने लेवल से भी इसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग भी किया था, एक कमिटी भी कंस्टिट्यूट किया कि भाई इसको रेगुलर मॉनिटर करने के लिए, और हम भी अपना फील्ड में जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको सेंसिटाइज किया गया है और पोलिंग स्टेशन जहां भी होगा जो हीट वेव इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर वेटिंग एरियाज बनाया जाएगा और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर वगैरह रहेगा, उसके अलावा मेडिकल किट्स विद मेडिकल फैसिलिटीज नियर बाय हर लोकेशन में रहेगा ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली अटेंड करने के लिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश रहेगी कि भाई जो हीट वेव के इम्पैक्ट जो है ना जितना मिनिमाइज किया जाए उतना मिनिमाइज करने की कोशिश। सुरक्षा के लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एडेक्वेट फोर्सेस रहेंगे, बहुत तो दिल्ली पुलिस का भी रहेंगे और होमगार्ड्स साथ में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी रहेंगे और जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो पूरा मिल जाएगा हमें, तो सुरक्षा को लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर एक जो दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कई विभागों के साथ बैठक भी की थी, अभी मौसम को लेकर जो बातें हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव की आशंका है और दिल्ली में जब चुनाव होगा तब टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, उसको देखते हुए कुछ अलग से आप लोग सुविधा व्यवस्था कर। हीट वेव तो होगा, जो IMD का प्रेडिक्शन ये है और कमीशन अपने लेवल से भी इसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग भी किया था, एक कमिटी भी कंस्टिट्यूट किया कि भाई इसको रेगुलर मॉनिटर करने के लिए, और हम भी अपना फील्ड में जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको सेंसिटाइज किया गया है और पोलिंग स्टेशन जहां भी होगा जो हीट वेव इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर वेटिंग एरियाज बनाया जाएगा और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर वगैरह रहेगा, उसके अलावा मेडिकल किट्स विद मेडिकल फैसिलिटीज नियर बाय हर लोकेशन में रहेगा ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली अटेंड करने के लिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश रहेगी कि भाई जो हीट वेव के इम्पैक्ट जो है ना जितना मिनिमाइज किया जाए उतना मिनिमाइज करने की कोशिश।